हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 17 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट वगैरह डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहां पे है कि 20 आर्मी मैन किल्ड फाइटिंग बैक चाइना। तो चाइना की लड़ाई में हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं, है ना। सबसे पहला न्यूज़ यहीं पर था। और ऐसा मतलब कि पहले तो न्यूज़ आएगा 3 ही जवान का कैजुअलिटी, मतलब कि 3 ही कैजुअलिटी हुआ है यहाँ पर, 3 ही लोगों को मतलब कि चोट आई है या फिर गंभीर हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन बाद में फिर आता है कि न्यूज़ है कि 3 नहीं बल्कि 20, और उधर से मतलब चाइना की तरफ से 43 कैजुअलिटी का इस तरीके का न्यूज़ आ रहा है। तो था इस न्यूज़ से यहाँ पे बताया कि 18 बार मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, है ना, पिछले 5-6 सालों में, जो कोई काम नहीं आया, है ना, जो भी कॉन्सेंसस था तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि डिप्लोमेसी को भी डाउन किया गया, और इस तरीके से यहाँ पर झड़प को वायलेंस में बदला गया, ठीक है। तो इसमें एक यहाँ पर दिखाया गया कि एक कर्नल भी शहीद हुए थे जो बिहार रेजिमेंट के थे, है ना, 16 बिहार रेजिमेंट के थे, कर्नल बी संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे काउ स्लॉटर केसेस टू बी हर्ड बाई फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो जो काउ स्लॉटर केस होंगे, है ना, मतलब कि जहाँ पे काउ को स्लॉटर किया जाता है, ऐसे केस यदि आएंगे तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। कहाँ पे ऐसा नियम लगाया गया? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ऐसा बोला गया, यानी कि हरियाणा में नियम लगाया गया है। तो इसके पहले यूपी के द्वारा एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया गया था, है ना, यूपी के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, अभी वो बिल नहीं बना है। ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके तहत था कि यदि कोई गाय को इलीगली मारता है, मतलब तो गाय को किसी तरीके से यदि स्लॉटर करता है, मारता है, तो उसको उसके ऊपर 10 लाख का आई थिंक जुर्माना था और 10 साल का जेल भी था। 10 साल का जेल था और जुर्माना कन्फर्म हम नहीं है, चेक कर लीजिएगा, 2-3 दिन पहले के न्यूज़ में ही था। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि इसके द्वारा इसके इंप्लीमेंट कराने के लिए एक बिल लाया जाएगा। केसेज रिलेटेड टू काउ स्लॉटर बिल बी हर्ड इन फास्ट ट्रैक कोर्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल बी पास टू ब्रिंग डाउन एंड इन टू फोर्स डाइवर्सन। तो कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल भी लाया जाएगा, उसके तहत फोर्स डाइवर्सन यानी जो धर्मांतरण किया जाता है, ठीक है, तो उसको मतलब कि रोका जाएगा। और मतलब कि ऐसे धर्मांतरण जो फोर्स किया जाए, ज़बरदस्ती किया जाए, ज़बरदस्ती धर्मांतरण को यहाँ पर रोका जाएगा, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रहेगा धर्माद बोर्ड, है ना, तो मिलता जुलता नाम है धर्मांतरण से ही। तो धर्माद बोर्ड बनाया जाएगा और ऐसे एरिया में खास करके काम रहेगा जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, जैसे हरियाणा का मेवात डिस्ट्रिक्ट में हिंदू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है, तो हो सकता है कि वहाँ मेनली वहीं को टारगेट करके बनाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा बोला गया इनके द्वारा। यहाँ पे और बताया गया कि इसके तहत और भी कई तरीके के, जैसे यहाँ पे है एक है हरियाणा गौवंश संरक्षण एंड गौ संवर्धन एक्ट, वहाँ पर भी अमेंडमेंट किया जाएगा, बोला जा रहा है कि वहाँ पर भी एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो जब भी अब यहाँ से असेंबली चालू होगा, है ना, तो ये बिल आएगा इसके लिए कि काउ स्लॉटर को रोकने के लिए, ठीक है, और इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा जो भी काउ स्लॉटर का केस होगा। नेक्स्ट है यूएस हैंड्स ओवर फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 वेंटिलेटर टू इंडिया। तो यूएस के द्वारा पहला 100 वेंटिलेटर दिया गया है इंडिया को, है, मतलब 100 वेंटिलेटर का एक शिपमेंट दिया गया है इंडिया को। तो इस किस प्रोग्राम के तहत दिया गया है? तो कहा जा रहा है कि यूएस ऑन ट्यूजडे हैंडेड ओवर इंडिया 100 वेंटिलेटर वैल्यूड ऑफ US $1.2 बिलियन। तो लगभग 1.2 मिलियन, है ना, 1.2 मिलियन के लगभग जो है इतने का वेंटिलेटर दिया गया है यूएस के द्वारा। और किनके द्वारा दिया गया? तो उनके जो अम्बेसडर है केनेथ जस्टर इंडिया में दिया, रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी जनरल आरके जैन उनको दिए, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यूएस एड जिसको बोला जाता है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसी के तहत डोनेशन दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट शिपमेंट है 100 ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ आर्ट वेंटिलेटर, काफ़ी हाई मतलब कि हाईली क्वालिफाइड वेंटिलेटर है, काफ़ी ज़्यादा सुविधा वाला, ठीक है, तो ये दिया गया है अभी यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे 1967 नाथुला कॉन्फ्लिक्ट आल्सो स्टार्टेड विद फिजिकल ब्रॉल। तो जैसा कल हुआ, है ना, उससे 1967 में भी एक इंडिया और चाइना में लड़ाई हुआ था, 62 का वॉर तो काफ़ी फेमस है, है ना, 1967 का भी वॉर हुआ था नाथुला यानी सिक्किम में ही हुआ था, ठीक है, नाथुला पास जो है सिक्किम में है। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक तरह से इंडिया का विक्ट्री यहाँ पे था, क्योंकि इंडिया की तरफ से काफ़ी कम लोग मतलब कि यहाँ पे हुए थे। क्लैश इवेंचुअली लेफ्ट 88 इंडियन सोल्जर डेड एंड मोर देन 300 चाइनीज सोल्जर वे किल्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया का विक्ट्री था। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, चाइना को हमेशा एक ही कंसर्न रहता है इंडिया की तरफ से कि इंडिया जब भी बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो लोग रोकता है। चाइना अपना बॉर्डर पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाइना जो इंडिया बॉर्डर के पास काफ़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड रोड और भी कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप कर चुके हैं, परमानेंट सेटलमेंट बना चुका है। लेकिन जब इंडिया की बात करना चाहता, अभी भी वही हो रहा है, जैसे हम लोग एक ब्रिज कहीं बनाए, फिर जो DOB वाला जो इलाका है, दौलत बेद ओल्डी वाला जो इलाका, 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे, वहाँ पर रोड बनाया जा रहा है, इसको लेकर चाइना कंसर्न भी किया है। तो इसी के ऊपर मतलब कि यहाँ पे भी वही होता है कि सिक्किम पे हम लोग वायर फेंसिंग कर रहे थे सिक्किम के पास 1967 में, है ना, तो वहीं पे चाइनीज सोल्जर के द्वारा उसको रोका गया था। तो बाद में फिर यही धीरे धीरे
फिजिकल ब्रॉल होते मतलब कि आम मतलब झड़प होते ही पहले गोली बंदूक नहीं चला था, ठीक है, और ऐसे करते करते फुल फ्लेज्ड वॉर में डेवलप हो गया और काफ़ी ज़्यादा वॉर बढ़ भी गया था, लेकिन बाद में फिर चाइना के द्वारा कदम पीछे लिया गया और लगभग 88 इंडियन सोल्जर डेड किए थे और 300 उन लोगों का सोल्जर डेड किया था, ठीक है। नेक्स्ट है EC2 क्रैक व्यू ऑन कैंडिडेट फाइलिंग फॉल्स पोल एफिडेविट। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी बोला गया है कि जो लोग फॉल्स पोल एफिडेविट मतलब कि नॉमिनेशन के समय जो फॉल्स एफिडेविट दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो यहाँ पे इन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन स्टैंड ऑन डीलिंग विद फॉल्स एफिडेविट इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड टू स्टार्ट टॉकिंग कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट कैंडिडेट फाइलिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे यहाँ पे बताया गया कि इलेक्शन कमीशन यूज टू इनकरेज कंप्लेन टू मूव कोर्ट अंडर सेक्शन 125A ऑफ द RPA एक्ट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका 125A जो सेक्शन है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलता है कि यदि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ लाइंग इन हर एफिडेविट, यदि एफिडेविट झूठ बोलता है पेस अ 6 month प्रिजन टर्म, तो उसके लिए 6 महीने का जेल होगा और फाइन होगा या फिर दोनों होगा। द पनिशमेंट द EC हैड टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इज वेल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया 6 महीने का पनिशमेंट है काफ़ी छोटा है, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 years, कम से कम 2 साल का इसको किया जाए ताकि लोग मतलब इसके डरे कम से कम, ठीक है। तो वही यहाँ पे था इस न्यूज़ से। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के एक दिन पहले इसका स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 324 के अंदर आता है, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन आता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसका किसका इलेक्शन करवाया जाता है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, MLA और MLC, ये 6 चीज़ का इलेक्शन करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पंचायत और म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशनर होगा, बाकी 2 अदर इलेक्शन कमीशनर होते हैं, तो मान लीजिए 3 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर है अशोक सुनील अरोड़ा हैं, ठीक है, हमें अभी जो हमारे CEC हैं सुनील अरोड़ा हैं, एक और इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम है अशोक अशोक लवासा, और यही नेक्स्ट बनने वाले हैं इसलिए अभी मेरे मुंह से निकल चुका था। तो सुनील अरोड़ा भी हैं, अभी जो CEC हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी सुनील अरोड़ा हैं, याद रखिए। और सबसे पहला जो थे सुकुमार सेन थे, सबसे पहले सुकुमार सेन थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पाक इन्वॉय समंड ओवर टॉर्चर ऑफ इंडियन ऑफिशियल। तो कल के नहीं जो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि 2 इंडियन ऑफिशियल को वहाँ के जो ड्राइवर थे मतलब इंडियन एम्बेसी में उनको पाकिस्तान के द्वारा टॉर्चर किया गया, उनको पकड़ करके जेल में रखा गया था कुछ देर के लिए और बोला गया कि ये लोग ट्रैफिक तोड़े थे, ट्रैफिक रूल तोड़े थे, ठीक है। तो इसके ऊपर इंडिया की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के जो इंडिया में जो एम्बेसी, पाकिस्तान का एम्बेसी जो इंडिया में है, तो उनके ऑफिसर को बुला करके, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काफ़ी कड़ा रुख वहाँ पर बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काफ़ी गलत किया गया है, मतलब एक तरह से पाकिस्तान को मैसेज भेजा गया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो था इस न्यूज़ से। यहाँ पे जैसे है यहाँ पे कि ME स्टेट दैट एक्शन ऑफ पाकिस्तान नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूट एन इनजीएस वायोलेशन, तो कहा जा रहा है कि ये एक नॉर्मल वायोलेशन ही नहीं है, ये वियना कन्वेंशन का वायोलेशन है, ठीक है, वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ 1961, ठीक है। इसके अलावा एक है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक कौंसुलर पर्सनल इन इंडिया एंड पाकिस्तान साइड इन 1992, तो 1992 में एक इंडिया और पाकिस्तान का अपना एक एग्रीमेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक पर्सनल के साथ ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए अपना एक एग्रीमेंट है जिसको 2018 में दोनों लोग दोबारा रिवाइज भी किए। ये एग्रीमेंट जो 92 में साइन हुआ था तो उस एग्रीमेंट को दोबारा रिवाइज किया गया 2018 में, तो वहाँ भी इस बात को बोला गया कि हाँ किस तरीके से दोनों एक दूसरे को, इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट ऑल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेटिक कंडक्ट, तो जो कल को किया गया पाकिस्तान में वो सारे डिप्लोमेटिक कंडक्ट के खिलाफ है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री सेड दैट कैटेगोरिकली रिजेक्ट द इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एंड बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय ME इन द केस ऑफ हिट एंड रन बाय द इंडियन कमिश्नर ऑफिशियल, तो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा फेक करेंसी को सर्कुलेट किया जा रहा था और हाई कमीशन मतलब कि जो भी ऑफिसर थे, जो भी वहाँ पर ड्राइवर थे, सॉरी, उनके द्वारा हिट एंड रन केस में शामिल थे वे लोग, ठीक है। तो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नाउ 3 UP टीचर हैव द सेम आइडेंटिटी, तो कल ही हम लोग एक अनामिका शुक्ला के बारे में पढ़े थे, है ना, अनामिका शुक्ला जिनके नाम पर लगभग 25-26 टीचर ज्वाइन किए हुए थे और अनामिका शुक्ला अपने आप में बेरोजगार थी। तो उसी तरह से एक और दीप्ति सिंह के नाम से 3 टीचर, अभी इनका कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाया ओरिजिनल दीप्ति सिंह कौन है, कहाँ की रहने वाली है, लेकिन एक ही नाम के मतलब एक ही आइडेंटिटी के 3 टीचर अभी UP में एक और नया धांधली निकल के आ रहा है उन्हीं के जैसा, तभी 3 टीचर पता चला, हो सकता है कि और भी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो ये भी लगभग सेम स्कूल में है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये भी है, ठीक है, जिस तरीके से अनामिका शुक्ला का आया था उसी तरीके से ये भी है, ठीक है।
नेक्स्ट द मेकिंग ऑफ कोविड आइसोलेशन कोचेज, तो कोविड आइसोलेशन कोच बनाया जा रहा है, तो ट्रेन्स को कोच में डेवलप किया, ट्रेन का जो कोच है उसको हॉस्पिटल्स में डेवलप किया जा रहा है, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जनरल, यदि जनरल वार्ड यदि है उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है, जैसे जनरल वार्ड में यहाँ क्या होता है बाथरूम टॉयलेट वगैरह है, तो उसको बड़ा बाथरूम में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाए कि जो नल होता था, नल नीचे होता था, नल को थोड़ा ऊपर किया गया ताकि नीचे बाल्टी अच्छे से रखा जा सके और आदमी उसमें नहा सके। ठीक है, उसके अलावा यदि देखा जाए तो फिर मिडिल टर्म रिमूव किया गया, मिडिल का जो बर्थ होता था उसको रिमूव किया गया है। ठीक है, और एक फोल्डिंग टेबल प्रोवाइड किया गया वहाँ पे, डोर्स को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है दोनों तरफ के डोर्स को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डोर परमानेंटली क्लोज्ड। उसके अलावा बोतल होल्डर वगैरह हर एक केबिन में तो रहता ही था, उसको रहने दिया। उसके अलावा डस्टबिन लगाया गया जिसको पैर से ऑपरेट किया जाता है ना, जैसे पैर से दबाने पर उसका ढक्कन खुलता है, इस टाइप का डस्टबिन लगाया गया है। ठीक है, और जो साइड बर्थ था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, तो इस तरीके से जनरल को चेंज किया गया। स्लीपर को यदि हम लोग देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ टैप रेज्ड अकॉर्डिंग टू एकोमोडेट बकेट है ना, मतलब कि बकेट आसानी से रह सके। ठीक है, और हैंड शॉवर वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा हॉस्पिटल कर्टेन लगाया गया इंट्री और एग्जिट पे, इंट्री और एग्जिट पे हॉस्पिटल कर्टेन लगाया है जो ग्रीन कलर का जो कर्टेन होता था। उसके अलावा बाथरूम और टॉयलेट की बात किया जाए तो वन इंडियन स्टाइल लेबोरेटरी टू बी कन्वर्टेड इनटू बाथरूम। नेक्स्ट है बाथ स्टूल, उसके बाद फिर यहाँ पे फोल्डिंग टेबल वगैरह प्रोवाइड किया गया, डस्टबिन, सारा कुछ सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ भी मिडिल बर्थ को रिमूव कर दिया गया है हर एक केबिन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से एक पेशेंट का एक केबिन इस तरीके का बनाया गया है ना। सामने वाला भी पूरा क्लीन कर दिया गया है। तो ये बनाया कैसे गया है हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप बोला है कि ऑन संडे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आफ्टर मीटिंग विद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल डिक्लेयर 500 कोविड आइसोलेशन कोचेज वुड बी डिप्लॉयड इन दिल्ली। तो इंडिया में 5000 कोचेज को इस तरीके का बनाने का सोचा गया जिसमें 500 जो होगा दिल्ली में होगा। ठीक है, तो व्हाट आर दीज कोचेज, ये कोच है क्या था, रेलवे के द्वारा बताया गया था पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। ठीक है, कि रेलवे के पास कई एक्स्ट्रा कोचेज हैं, सो फॉर 5321 यानी कि 5321 नॉन एसी स्लीपर कोचेज आईसीएफ जो पुराना वाला जो ब्लू कलर का जो रेक होता है ना उसको आईसीएफ बोलते हैं, तो उस वैरायटी का जो कोच है उसको कन्वर्ट किया गया 16 जोनल रेलवे के थ्रू और करीब पूरे इंडिया में लगभग ये फैला हुआ है। दीज आर डेवलप्ड एज कोविड केयर लेवल 1 सेंटर एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेयर सस्पेक्टेड केसेज ऑफ दोज विल माइल्ड सिम्टम्स आर टू पिक अप, तो इनमें ऐसे लोगों को रखा गया जिनको हल्का फुल्का सिम्टम्स है, सस्पेक्टेड एंड कन्फर्म केसेज के पॉइंट सेपरेट कोच, जो मतलब कि कन्फर्म केस जब हो जाएगा तो उसको अलग कोच में रखा जाएगा। बिसाइड द 500 बीइंग डिप्लॉयड इन दिल्ली तेलंगाना इज रिक्वेस्टेड फॉर 60 कोचेज, तो 500 तो दिल्ली में है, 60 कोच जो है तेलंगाना को भेजा जा रहा है, यूपी को 24 मांगा गया है यूपी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ आर दीज कोचेज सिलेक्टेड, तो ऐसे कोच को सिलेक्ट कैसे किया गया, तो अर्ली इनटू पेंडेमिक हेल्थ एक्सपर्ट वेयर इन द व्यू दैट एयर कंडीशन इन्वायरमेंट माइट एट द स्प्रेड ऑफ वायरस, पहले ऐसा सोचा जा रहा था कि एयर कंडीशन का इन्वायरमेंट जब होगा ठीक है तो उसे कोरोना वायरस और तेज़ी से फैलाएगा। ठीक है, मतलब जब एयर कंडीशन घर होगा या फिर एयर कंडीशन कोचेज को बनाया जब जाएगा तो उसे कोरोना वायरस तेज़ी से फैलाएगा, पहले ऐसा सोचा जा रहा था। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, ऐसा लोग सोच रहे थे क्योंकि उस समय एक विश्वास बन गया था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरोना वायरस मर जाता है और एसी क्या करता है टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा सोचा जा रहा था, लेकिन उसके बाद यह बताया गया, तो पहले ऐसा सोचा जा रहा था है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे तो इसीलिए जो है नॉन एसी ट्रेन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है, नॉन एसी कोचेज को खास करके ज़्यादा ध्यान दिया गया था। एज पर टारगेट गिवन टू 16 जोनल 500 ऑर्डर ओल्डर कोचेज सरप्लस टू रेलवे, तो रेलवे के पास एक सरप्लस कोच था, ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशन में था उसको चेंज किया जा रहा है, रेलवे के पास एक्स्ट्रा कोच बचा हुआ था, सरप्लस में था, स्पेयर पार्ट था उसका, तो उसको यहाँ पे चेंज किया गया विथ ईच कैरिंग 16 पेशेंट, तो हर एक कोच में 16 पेशेंट को कैरी किया जा सकता है ना, तो लगभग 80,000 पेशेंट के लिए यहाँ पे आइसोलेशन बेड बन जाएगा। ठीक है, और रेलवे कहा कि हम लोग ऐसा 20,000 कोच भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, ये तो 5,000 है ना, 20,000 कोच प्रोवाइड करा सकते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे किया गया है, ईच स्लीपर कोच इज डिवाइडेड इनटू 8 बेड, तो हर एक स्लीपर कोच को 8 पार्ट में बांट दिया गया है, और इसके तहत क्या किया गया कि रिमूव कर दिया गया मिडिल बर्थ को ताकि हर एक पेशेंट को जो है कोई दिक्कत ना हो, है ना। ईच बे कैरीज 2 पेशेंट ऑन द लोअर बर्थ, अ कैपेसिटी ऑफ 16 पर कोच, तो एक कोच में 16 आ जाएगा इस तरीके से। 2 of 4 टॉयलेट्स पर कन्वर्टेड टू बाथरूम, तो जो 4 टॉयलेट होता था, दो है ना, दो यहाँ ठीक है, उसको दो इसमें से दो को बाथरूम के रूप में चेंज कर दिया गया। ठीक है, जो इंडियन वाला होता था ना उसको बाथरूम में चेंज कर दिया गया, जो वेस्टर्न वाला होता था उसको उसी तरीके से छोड़ दिया गया है। और द विंडो पर कन्वर्टेड मॉस्किटो नेट, जो विंडो था उसको मॉस्किटो नेट से कवर कर दिया गया, वहाँ पर मच्छरदानी लगा दिया गया,
पावर प्लग सॉकेट इंस्टॉल किया गया है ताकि लोग मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और मेडिकल इक्विपमेंट को भी पावर प्लग की ज़रूरत होता है। एंड प्लास्टिक कर्टेंस वेयर इंस्टॉल्ड इन एवरी केबिन, ईच कोच हैज ऑक्सीजन सिलेंडर, ईच कोच हैज बीन कन्वर्टेड एट कॉस्ट अराउंड 2 लाख। तो कहा जा रहा है कि हर एक कोच को कन्वर्ट करने में लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आया है। सो 5321 कोचेज कन्वर्ट इन टू 100 करोड़, तो लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च बस इस कोचेज को कन्वर्ट करने में आया है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ट, तो आखिर चैलेंज क्या, फिर रेलवे को क्या क्या कठिनाई सामना करना पड़ा। द समर हीट इन द कोच हैज ऑलवेज अ मैटर फॉर डिस्कशन नॉट ओनली इन रेलवे बट ऑल्सो इन द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बेस्ड ऑन दोज इनपुट कोच वेयर कन्वर्टेड। तो कहा जा रहा है कि जब गर्मी जो लगेगा है ना, क्योंकि स्लीपर कोचेज को कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको उसके कारण एक चिंता का विषय है ना रेलवे को भी और बाकी जो लोग मतलब कि जो बड़े ऑफिसर वो भी इसके बारे में मतलब कि सोच रहे थे। सेवरल आइडियाज वर डिस्कस्ड इंक्लूडिंग इरेक्टिंग समियाना ओवर द कोचेज और पेंटिंग द रूफ विद सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स, ठीक है। तो कई इस तरह के आइडिया लगाए गए कि उसके ऊपर मतलब जो कोच है ना, तो कोच तो अभी खड़ा है, तो क्या कर दिया जाए कि उसके ऊपर कपड़ा या फिर ढक दिया जाए है ना कोच के ऊपर चारों तरफ से, जिसके कारण से धूप नहीं, मतलब कोच के आसपास, कोच के डायरेक्ट ऊपर नहीं। जैसे मान लीजिए कोच यहाँ है तो यहाँ पे एक ऐसे बांस करके, यहाँ से बांस खड़ा करके यहाँ पे किसी चीज़ से ढक दिया जाए, तो उस तरीके से, या फिर कोच को पेंट ऐसा कर दिया जाए सोलर रिफ्लेक्टिव हो। फाइनली इट वाज डिसाइड द रूफ विल बी इंसुलेटेड इन नंबर ऑफ कोचेज, तो डेट कहा जा रहा है, लेकिन अब डिसाइड किया है कि रूफ को इंसुलेट कर दिया जाएगा। इंसुलेट कहने का मतलब कि जैसे थर्मस हम लोग जो खरीदते हैं ना, उसमें कैसे वहाँ पे थर्मोकोल वगैरह भरा रहता है, उस टाइप का कुछ वहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। द टेक्निकल सोल्यूशन वाज बेटेड बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजर ऑफ रेलवे, तो रेलवे का जो रिसर्च डिजाइन है उसी के द्वारा ये सब कुछ किया गया। सोल्यूशन हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी मुंबई विच ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन कोच बाय सेवरल डिग्री। रेलवे हैज स्टार्टेड एन एसी कोच एज वेल फॉर डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए एसी कोच भी चालू किया, क्योंकि अब पता चल गया कि एसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लाइट भी चलाया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो एसी तो चलना नेसेसरी हो जाता है। अनदर क्वेश्चन वाज हाउ टू डिस्पोज टॉयलेट वेस्ट इफ द कोचेज वर इन द रिमोट एरियाज एंड वेदर सच वेस्ट एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस। तो कहा जा रहा है कि दूसरा चैलेंज क्या था कि जो वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, ठीक है, क्योंकि यदि ऐसे जो कोच है रिमोट एरियाज में भेजे गए हैं तो उनको वहाँ का जो वेस्ट जनरेट होगा वहाँ से, तो क्या वो इन्फेक्शियस होंगे, उनको डिस्पोज कैसे किया जाए। तो इट वॉज एग्रीड सिंस क्लोरीन टेबलेट आर प्लेस्ड इन द चैम्बर ऑफ बायो टॉयलेट्स द रिस्क वॉज न्यूट्रलाइज इन एनी केस बायो एंजाइम्स इन द टॉयलेट टैंक केयर ऑफ द ह्यूमन वेस्ट, है ना। तो ऑलरेडी इसमें क्लोरीन टैबलेट डाला जाता था जिसके कारण से कोई दिक्कत नहीं हुआ, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसके अलावा बायो एंजाइम डाला जाएगा टॉयलेट में जो ह्यूमन वेस्ट को मतलब कि इन्फेक्शियस नहीं होने देगा। अनदर क्वेश्चन वॉज प्लेसमेंट द बैटरीज ऑफ द कोचेज नीड टू बी चार्ज एंड द वाटर नीड टू बी रिप्लेनिश। तो कहा जा रहा है कि जो बैटरी होता है कोच के अंदर उसको चार्ज करना पड़ता है, जब ट्रेन चलता था तो उसका कोई टेंशन नहीं होता था, जो पानी कोच में डाला जाता है उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। नॉट ऑल एरिया इन द इंडिया माइट हैव सच फैसिलिटी, तो इंडिया के हर एक एरिया में ऐसा तो फैसिलिटी होगा नहीं। आफ्टर डिस्कशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री 215 स्टेशन वर आइडेंटिफाइड अक्रॉस इंडिया, द आइडिया वाज ऑफ बीइंग मोबाइल यूनिट्स दे कुड बी डिस्पैच टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू पिकअप पेशेंट्स एंड सम पैक टू देयर बेसेज, है ना। तो ऐसा सोचा गया कि 215 स्टेशन को ऐसा बनाया गया है जहाँ से क्या होगा, कोच लाने जाएगा पेशेंट को और क्या करेगा कि कुछ जो है खड़ा रहेगा परमानेंटली, कुछ कैरी करने का काम करेगा, ठीक है। तो जो चलते रहेगा उसमें से बैटरी खोल के खड़ा वाला में लगाया जा सकता है, मतलब बैटरी को डिफरेंट कोचेस से निकाल के इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ द 215 स्टेशन रेलवे वुड प्रोवाइड देयर ओन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर पेशेंट इन 85, तो 215 स्टेशन में 85 स्टेशन पे जो है रेलवे का जो डॉक्टर होता है, रेलवे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर, तो वो लोग काम करेंगे। इन द अदर 130 स्टेट वुड हैव टू अरेंज डॉक्टर, बाकी 130 में जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना डॉक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। और ईच आइसोलेशन ट्रेन विल ट्राई टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, हर एक आइसोलेशन ट्रेन जो भी ट्रेन ऐसा बनेगा उसको ट्राई किया जाए कि एक हॉस्पिटल के नज़दीक में हो, मतलब कि कोई भी हॉस्पिटल के नज़दीक में उसको खड़ा किया जाए। द सेंटर विल नॉट डिप्लॉय दिस कोचेज एट विल, द स्टेट विल हैव टू रिक्वेस्ट फॉर देम, कहा जा रहा है कि सेंटर अपने मन से नहीं ऐसा प्रोवाइड कराएगा, स्टेट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि तेलंगाना के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग था ना यूपी के द्वारा 24 मांगा गया था, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा यदि देखें तो एटलीस्ट 10 कोचेज और 1 ट्रेन विल हैव टू बी डिप्लॉयड इन 1 प्लेसेज, तो 10 कम से कम तो 10 कोच को एक जगह खड़ा कर किया जाएगा, मतलब कि एक ट्रेन में 10 कोच ऐसे लगाए जाएंगे। तो स्टेट कैन रिक्वेस्ट फॉर मोर, स्टेट ज़्यादा के लिए भी मतलब कि रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मिनिमम रिक्वेस्ट आपको 10 कोच का करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज प्रोवाइडेड वन टाइम एग्जेम्पशन फॉर स्टेशन ऑफ ट्रेन कोचेज फॉर पर्पस ऑफ जनरेटिंग हॉस्पिटल वेस्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा भी एक क्लियरेंस दे दिया गया है, ठीक है, कि जो वेस्ट जनरेट होगा उसको अच्छे से डिस्पोजल किया जाए, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी मिल चुका है। द स्टेट इज सपोज टू डिस्पोज वेस्ट, तो स्टेट को जिम्मेवारी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि
कि वेस्ट को डिस्पोज करें, रेलवे मेंटेन द कोचेज, प्रोवाइड लाइनें एंड मे प्रोवाइड फूड आल्सो डिपेंडिंग ऑन फिजिबिलिटी इफ रिक्वेस्टेड बाय स्टेट। तो रेलवे खाना भी प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेलवे के द्वारा यहाँ कोविड 19 में केयर किया जा रहा है। नेक्स्ट, विल दिस बी अपग्रेडेड फर्दर, क्या और किया जाएगा? तो नीति आयोग इन अर्ली मई प्रपोज दैट इन स्टेड ऑफ मेयर कोविड 19 केयर लेवल 1 सेंटर, सम ऑफ दिस कोचेज विल अपग्रेडेड टू हॉस्पिटल विथ ऑक्सीजन आई सी यू वेंटिलेटर फैसिलिटीज। तो अभी कितना है, अभी केयर लेवल 1 सेंटर है सब, है ना। हम लोग पढ़े थे लेवल 1 सेंटर, मतलब कि यहाँ पे बेसिक इम्यूनिटीज दिया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को रखा जाए जिनको माइल्ड सिम्टम है, हल्का फुल्का सिम्टम है ना, उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को रखा जा रहा है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आगे के बारे में सोचा जा रहा है कि ऐसे कुछ और कोच के बारे में सोचा जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन आईसीयू फैसिलिटी वेंटिलेटर हो। इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट रेलवे कुड हैव हेल्प फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, रेलवे प्राइवेट हॉस्पिटल से हेल्प लेकर अपग्रेड कर सकता है। नीति आयोग के एक मेंबर है वीके पॉल, हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ रिलेवेंट इंपावर्ड कमेटी, जो इस कमेटी के अध्यक्ष मेंबर भी हैं, अध्यक्ष नहीं, जो रेल मतलब कि ये जो कन्वर्ट हो रहा है उस कमेटी के मेंबर भी हैं। सजेस्ट कोचेज विल बी ग्रेडेड टू लेवल 3 एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 कोविड केयर सेंटर। तो उनको लेवल 1 से लेवल 2 और लेवल 3 सेंटर में बदला जाए। रेलवे डिस्कस्ड इंटरनली सच दैट अ टास्क विड रिक्वायर मंथ, तो ऐसा कर तो रेलवे के द्वारा कहा गया कि ऐसा करने में काफ़ी महीने लगेंगे। 1 लाख ऑफ लाइफलाइन एक्सप्रेस विच इज हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, सॉरी 1 रेक ऑफ लाइफलाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स विल बी मेडिकल फैसिलिटीज टेक्स मंथ टू रोल आउट। तो कहा जा रहा है कि जैसे एक फैसिलिटी चलता है हॉस्पिटल ऑन व्हील, एक ट्रेन चलता है, ठीक है, ये इसी मतलब कि परमानेंट हॉस्पिटल है, हर एक स्टेशन पर जाता है, इसमें हर तरीके का सर्जरी भी होता है इसमें, है ना। आप यहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, हर एक स्टेशन में घूमते रहता है। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट पे कि अभी किस स्टेशन पे, आई थिंक अभी कोविड 19 के कारण नहीं चल रहा होगा, लेकिन कहीं तो ये खड़ा होगा ना, ठीक है। तो ये था कम्प्लीटली इस न्यूज़ के बारे में कि किस तरीके से द मेकिंग ऑफ कोविड 19 आइसोलेशन कोचेज। आई थिंक काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। नेक्स्ट है कि जैसे अभी चाइना इंडिया के साथ ऐसा रिलेशन ख़राब हो चुका है, फिर भी यहाँ के जनता को बोला जा रहा है कि आप 5 रुपये का उसका खिलौना मत खरीदिए, 5,000 का मोबाइल मत खरीदिए, ठीक है, और करोड़ों रुपए का ठेका दे दिया जाता है। जैसे चाइना और GWM, ठीक है, GWM क्या है, तो ग्रेट वॉल मोटर, तो चाइना का ग्रेट वॉल मोटर एक कंपनी है, MOU साइन किया है किसके साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। महाराष्ट्र में किसका गवर्नमेंट है, तो ठगबंधन का गवर्नमेंट है। ठगबंधन किसके किसके बीच में है, तो कांग्रेस, शिवसेना और NCP के बीच में है, ठीक है। तो इस ठगबंधन गवर्नमेंट के द्वारा भी एक MOU साइन किया गया है GWM के साथ। GWM क्या है, तो ग्रेट वॉल मोटर मतलब एक मोटर कंपनी है, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट साइन किया गया कि महाराष्ट्र में आकर कोई मोटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, है ना। तो जो कुछ भी नियम आम आदमी के लिए, बाकी सरकार तो अपने लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर ही रही है एक दूसरे से, सही मतलब कि हाथ तो मिला ही रही है। बोला गया कि लगभग 3,000 लोगों को जॉब मिलेगा, है ना। तो जो भी है, आप बस न्यूज़ को याद रख सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट के द्वारा किस कहाँ पर साइन किया गया, किसके साथ साइन किया गया, ठीक है, और किस काम के लिए साइन किया गया। नेक्स्ट है कि इंडिया 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FDI जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया 9वें नंबर पे है दुनिया भर में जहाँ पे FDI आता है, ठीक है। तो इंडिया को 51 बिलियन का FDI मिला था 2019 में, और जो दुनिया में सबसे नौवां बड़ा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया था, अंकटाड के द्वारा निकाला गया था। अंकटाड UNCTAD एक संस्था, UN का संस्था है, नाम से ही पता चल रहा है UN। तो UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड के द्वारा मंडे को डाटा रिलीज किया गया है, एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। तो उसमें बताया कि इंडिया 9th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि तो इंडिया में FDI कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, इंडिया में FDI सबसे ज़्यादा है सिंगापुर से, ठीक है। पहले मॉरिशस रहता था टॉप पे हमेशा पिछले कई सालों से, लेकिन इधर 2 साल से मतलब पिछले साल और इस साल 2018 और 19 में देखा गया कि सिंगापुर टॉप पे, मतलब हमारे यहाँ FDI जो आता है सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि अधिकांश लोग अभी भी मॉरिशस ही याद होगा। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।